असल में है जिसकी बदलियां होती ही नहीं है। तो कहीं सालों से वसई में, वसई के तहसील में ही है, कहीं सारे तहसीलदार आए, कहीं सारे नायब तहसीलदार आके गए, कहीं सारे पुरोटा निरीक्षक आके चले गए, बट ये एक व्यक्ति वसई तहसील में ही कैसे रहता है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। ये प्रदीप जो मुकणे है, इनकी ताकत इतनी है कि ये तहसीलदार की भी बदली कर सकते, तो इनका जो तहसीलदार के ऊपर जो इनका दबाव था, वो शुरू से हर तहसीलदार के ऊपर इनका दबाव था। और हाँ, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज मैं कुछ कहूं उससे पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। दोस्तों, मैं हर दिन मेहनत करता हूं और मेहनत करके अलग अलग सबूत निकाल के इस तरह के वीडियो बनाता हूं। मैंने इस वीडियो को आपका प्रतिसाद मिलता है, बहुत से लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, कि कोई फोन पे भी बोलता है। आप सब दर्शकों को बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मुझे आज आपकी मदद की जरूरत है। मुझे मदद आपकी ये चाहिए कि मेरे जो वीडियोज है उसको आप पसंद करते हैं, लेकिन आदत में डालिए कि उनको शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो जब जाएंगे तब उनकी भी कुछ समस्या होगी, तो उसको दूर करने में मैं कामयाब हो पाऊंगा। तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। अब शुरू करता हूं मैं आज के अपने इस वीडियो की बात। तो पिछले दो दिन से एक मामला जो मैं दो बार खबर लगा चुका हूं, आप सबने देखा है, वसई के नायब तहसीलदार प्रदीप दामोदर मोकणे और मंडल अधिकारी संजय सोनावणे के ऊपर एसीबी की कार्यवाही हुई और रिश्वत लेने के आरोप में ये दोनों आरोपी जेल में गए। पहले एक दिन की हिरासत में पुलिस ने रखा, फिर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने चार दिन की कस्टडी दे दी और अभी फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो थाने के ऑफिस में वहां पर कस्टडी में है, एंटी करप्शन ब्यूरो की कस्टडी में है। ये जो शख्स है, इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा मोकणे के ऊपर, और उसी भ्रष्टाचार के आरोप के चलते ये आज पुलिस कस्टडी में है। इस शख्स से कई लोग वसई के परेशान थे, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं, ये किसी का भी काम करके, जो सरकारी लोक सेवक है उनका अपना फर्ज है कि काम करके छोटे मोटे दाखले हो या जो भी उनका काम है वो किया जाए, लेकिन ये समय पर किसी का काम नहीं करते थे, ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि इस शख्स ने कई सारी बेनामी संपत्ति वो अर्जित की, जिसका पूरा लेखा जोखा अगर एसीबी बराबर से उसकी जांच करे तो काफी बड़ा निकलेगा। इसी कड़ी में वसई के एक समाज सेवक एडवोकेट अनिल चौहान ने आज एसीबी को एक पत्र लिखा है, और एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि इस प्रदीप दामोदर मोकणे, जो कि नायब तहसीलदार के पद पर था, उसकी संपत्ति की संपूर्ण जांच हो। अनिल चौहान ने जो पत्र भेजा है प्रशासन को, उसमें उन्होंने कई संगीन बातें लिखी है, जैसे इस प्रदीप दामोदर मोकणे की मुंबई में बेनामी संपत्ति है, पुणे में बेनामी संपत्ति है, वसई विरार में बेनामी संपत्ति है, कुछ गाड़ियां हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ अनिल चौहान ने अपने पत्र में कहा है, वहीं मुझे दिए इंटरव्यू में भी ये सब कुछ कहा है। तो आगे वीडियो में आप देखिए अनिल चौहान का वो बयान कि क्या कुछ अनिल चौहान इस पे कह रहे हैं। अंत में एक बार फिर से वही कहूंगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, शेयर जरूर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और अनिल चौहान ने एक आह्वान किया है, वो आह्वान आप वीडियो में देखेंगे,
लेकिन मैं भी आपको यह आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आपके पास, अगर आप में से कोई शख्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये नायब तहसीलदार प्रदीप दामोदर मोकणे या संजय सोनावणे इन लोगों ने कभी परेशान किया है या आपसे कभी पैसे की मांग की है, ऐसा कुछ है, तो आप जरूर एसीबी को मेल करें ताकि एसीबी को जांच करने में सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो मामला है वो मजबूत बनेगा। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अनिल सर, क्या विषय है? आपने एसीबी को एक पत्र लिखा है, हमारी जानकारी ऐसे आई कि आपने एसीबी को पत्र लिखा है। वसई के नायब तहसीलदार प्रदीप मोकणे हैं जिनके ऊपर एसीबी की कार्यवाही, उसके रिलेटेड है। क्या वो पत्र है और क्या आपकी मांग है? देखिए, अभी 5 तारीख को एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है वसई पुलिस स्टेशन में। वसई तहसील कार्यालय में जो प्रदीप मोकणे करके जो नायब तहसीलदार है और उनके साथी सोनावणे, इन दोनों को एसीबी ने अरेस्ट किया है और उनको 9 तारीख तक कस्टडी में रखा गया है। तो प्रदीप मोकणे के ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने झूठे दस्तावेज बनाकर अपने पद को, अपना पद लिया है, अपनी नौकरी ली है, तो वो तो मैटर ऐसे ही ठंडे बस्ते में रह गया। उसके बाद एक उनके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। प्रदीप मोकणे जो है वो वसई तहसील के सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी है, ऐसे लोगों का कहना है, काफी सारे कार्यकर्ताओं का कहना है और काफी सारे राजकारणियों का भी कहना है। बट ये भ्रष्ट अधिकारी नहीं, मैं कहता हूं इसके नेक्सस इससे भी बहुत बड़े हैं। इसके अगर अच्छे से जांच की जाए, मैंने एसीबी को यही लिखा है कि आपने अगर प्रदीप मोकणे को अरेस्ट किया है तो इसके अच्छे से जांच की जाए। इसकी जो बेनामी संपत्ति है, तो इसको जवाहर में होटल हमने सुना है, उसका एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला है, उसके साथ साथ साउथ मुंबई में कुछ प्रॉपर्टी है, पुणे में कुछ प्रॉपर्टी है, इसके कई सारी गाड़ियां वसई विरार में फोर व्हीलर्स है और बहुत सारे बेनामी प्रॉपर्टी इसने जमा करके रखी अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपने पहचान वालों के नाम पे। अगर इसकी अच्छे से छानबीन की जाए तो एसीबी के हाथ से बहुत बड़ा एक रैकेट निकल सकता है। और ये मैंने सुना है कि एक मुंबई में एक बहुत बड़ी ट्रस्ट भी चलाते हैं जिसमें कई सारा पैसा, बेनामी पैसा आता है, उसको व्हाइट करते हैं। तो ये नायब तहसीलदार के छोटे पोस्ट पे होने के बावजूद भी इतने करोड़ों की संपत्ति इन्होंने कैसे जमाई, जबकि हमने इनको देखा है लिपिक से ये फिर पुरोटा निरीक्षक बने और उसके बाद नायब तहसीलदार बने, तो इतनी इनकम तो, इतनी पगार तो इनको है नहीं, तो इतनी प्रॉपर्टी इनकी कहां से आई? और जबकि हमने देखा है कई सारे नायब तहसीलदार यहाँ आते, कई सारे लिपिक आते, पुरोटा निरीक्षक आते, उनकी बदलियां होती रहती है, बट ये एक अधिकारी ऐसा हमारे वसई तहसील में है जिसकी बदलियां होती ही नहीं। तो कई सालों से वसई के तहसील में ही है, कई सारे तहसीलदार आए, कई सारे नायब तहसीलदार आके गए, कई सारे पुरोटा निरीक्षक आके चले गए, बट ये एक व्यक्ति वसई तहसील में ही कैसे रहता है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। तो इसीलिए मैंने एसीबी को लिखा है कि अगर आपने पकड़ा है, ये आप अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन इसके अच्छे से जांच करोगे तो आपको ये छोटा मैटर ना होके ये बहुत बड़ा मैटर आपके सामने आएगा, ऐसा मैंने जो डीजी है एसीबी के उनको लिखा है और जो एसपी थाने के है उनको लिखा है, और उनका जवाब आया है मुझे कि आपकी कंप्लेंट हमने आगे फॉरवर्ड कर दिए करके। आपने जो भी बात कही वो बात काफी बड़ी है और इस बात में जाहिर सी बात है कि इनका सालों साल से यहां से बदली नहीं हुई। नियमानुसार जब किसी अधिकारी का प्रमोशन भी होता है तब भी उसको बदली होकर कहीं और जाना होता है, लेकिन ये यहाँ के यहाँ है। अब ये प्रशासन खुद तो नहीं चला रहे, यानी कि ये कोई छोटा रैकेट नहीं है, ये आप अपन कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इनके सेटिंग बाज है, क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा रैकेट है ये, इसमें कई सारे राजनेता भी शामिल होंगे क्योंकि इनके सपोर्ट में बीच में कई, मैंने सुना कई एमएलओ ने भी पत्र लिखे थे कि इनके ऊपर, जब वो बोगस पेपर का जो प्रकरण आपने सुना होगा वसी में काफी चर्चा में रहा कि बोगस पेपर बना के इन्होंने मतलब छूटे स्कूल के सर्टिफिकेट वगैरह बना के इन्होंने नौकरी ली है, वो प्रकरण में इनको काफी सारे राजनेताओं का सपोर्ट आया, तो इनका बहुत बड़ा नेक्सेस है। इसकी अच्छी से जांच होनी चाहिए। तो करोड़ों की संपत्ति, मतलब आप जब देख रहे हो कि मैं अभी कुछ मध्य प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मिली, एक यूपी में कई करोड़ों रुपए के आईएएस के पास प्रॉपर्टी मिली, आईपीएसओ के पास प्रॉपर्टी मिली, ये बंदा जो है
ये एक लिपिक से आया हुआ है, आप अगर इसकी जानकारी करोगे तो इसके पास भी करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, बेनामी संपत्ति मिलेगी, कैश मिलेगा, आप उसकी छानबीन करनी चाहिए, यही मैंने एसीबी को लिखा है। अगर इसमें अच्छे से जांच की जाए तो सब सत्य सामने आ जाएगा। अच्छा, इनकी जांच के साथ में इतने सालों से जो अधिकारी जो आए, सीनियर अधिकारी, तहसीलदार हो या क्या, उन वो लोग भी जांच के दायरे में नहीं आने चाहिए? ये प्रदीप जो मुकणे है, इनकी ताकत इतनी है कि ये तहसीलदार की भी बदली कर सकते, तो इनका जो तहसीलदार के ऊपर जो इनका दबाव था, वो शुरू से हर तहसीलदार के ऊपर इनका दबाव था। और हाँ, आपने सुना होगा कि इसके पहले वसई में एक विश्वास गुजर नाम के एक तहसीलदार थे, उनको भी एसीबी ने इसी तरह से पकड़ा था और फिर उनके ऊपर केस चली और फिर उनका यहां से ट्रांसफर हो गया। मैं मेरे दिल में यही शक है कि ये आदमी अगर छूट गया तो फिर से ये इसी तहसील में आएगा और ये बहुत ही आगे और ज्यादा खतरनाक समाज के लिए हो सकता है, लोगों के लिए हो सकता है। इसके लिए इसके ऊपर कार्रवाई होना, इसकी अच्छे से जांच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी आज के समय में। एक आखिरी सवाल, एक ऑपरेशन कुछ पत्रकारों ने वसई तहसील परोठा में विभाग में किया था पिछले साल गुड फ्राइडे के दिन, मैं भी उसका हिस्सा रहा था। उस ऑपरेशन में जो वर्तमान परोठा अधिकारी है रोशन कापसे, उनके शब्द ये थे कि यहाँ पे जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं बिना किसी सरकारी परमिशन के, वो पहले से मोकने साहब के समय से है, उनको मैंने नहीं रखा। लेकिन उस चीज के ऊपर भी इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद तहसील में वो पूरा मामला गूंजा था, उसके बावजूद उस पर किसी तरह की इंक्वायरी नहीं हुई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, रोशन कापसे जी को मैं जानता हूँ, अच्छे अधिकारी है, बट उनके ऊपर भी प्रभाव प्रदीप मुकणे का ही होगा। मैंने वो घटना मुझे पता है, उसके ऊपर आपके ऊपर भी सरकारी कामों में बाधा डालने का FIR हुआ, 353 आपके ऊपर दाखिल किया गया जबकि आप सच उजागर करने गए थे। तो आप समझ सकते हो कि ये आदमी किस लेवल पे जा सकता है कि कोई सच उजागर करे तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल करने की क्षमता, 353 जैसा बड़ा कायदे का हथियार इन्होंने आपके ऊपर इस्तेमाल किया। तो ये समझ में आती है लोगों की कि ये किस तरह से ताकतवर है, ये ही वसई तहसील को चलाता है, तहसीलदार हो या फिर अभी पुरोटा निरीक्षक हो, ये सारा भ्रष्टाचार का जड़ जो है वो प्रदीप मुकणे है, इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। मैं आखिरी तक यही डिमांड करता रहूंगा, आज एसीबी को लिखा है, कल आगे भी लिखूंगा और इसके पीछे अभी मैं आगे कोर्ट में जाना पड़ेगा तो कोर्ट में हम जाएंगे, अदरवाइज हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हर चीज में हम इनकी कंप्लेंट करने वाले हैं, हर प्रशासन के विभाग में। आपके इस तरह के पहल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं आज के समय में जो इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से काफी सारे लोगों को कहना चाहूंगा, जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास प्रदीप मुकणे के बारे में कोई जानकारी है तो आप एसीबी को अभी के अभी आप तुरंत उनको मेल करिए, आप उनको व्हाट्सअप करिए या उनको लिखिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हमें वसई में नहीं चाहिए, हमें अपनी वसई साफ सुथरी चाहिए, तो हम जनता को एक साथ आकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ लड़ना होगा। थैंक यू। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।